सफल रहा जो हर साल से हो रहा है और सर जिस तरीके से हमारे लिए काम कर रहे हैं इतने वर्षों से, तो जोरदार तालियां सब एक एक दबे के लिए। भाषण देना तो बहुत आसान होता है पर साइंटिफिक सेशन उतना ही कठिन होता है, इसलिए मैं सोचा पानी वाली पी ले भाई। अप्लास्टिक एनीमिया जिसका नाम लेते ही डर लगता है, जैसा कि अभी मासी होजमा साहब बता रहे थे कि मैंने उनका ट्रीटमेंट करने से ही मना कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैं ट्रीटमेंट करने से मना कर देता हूँ लेकिन उनका ट्रीटमेंट करता भी। जैसा अभी हमारे गौतम साहब बोल रहे थे कि डॉक्टर को क्या है कि दोनों ही तरीका अपनाना चाहिए, उसको कठोर भी होना चाहिए और नाजुक निर्मल भी होना चाहिए। कई बार मैं मरीजों को डांट देता हूँ, कई बार मैं मरीजों को भगा देता हूँ, तो ये सारा चलते रहता है। That is the part of treatment. अगर मरीज हमारी बात को समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो वो ठीक कैसे होगा? मरीज का भी एकमात्र एम होता है और हमारा भी एकमात्र एम होता है कि उस मरीज की चिकित्सा। और मरीज की एम क्या है कि उसको ठीक होना है, मतलब उसकी चिकित्सा, मतलब दोनों का एम जो है वो सेम है, लेकिन हासिल करना दोनों के लिए ही उतना कठिन है। तो जो हासिल करता है उसकी खुशी अभी आपने देखा, मसीहा आजम जी को सुन करके हमने देखा कि जब वो खुशी हासिल होती है तो वो कैसी खुशी होती है। कोई भी बीमारी होती है तो केवल बीमार सफर नहीं करता है, केवल बीमार बीमार नहीं होता है, उसका परिवार भी बीमार हो जाता है, उसका परिवार सफर करता है, पूरे परिवार के ऊपर वो समस्या आ जाती है। जैसा कि अभी मैं तानिया के लिए बता रहा था, अगर किसी पेरेंट्स को ये पता है कि उसके बच्चे को ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, तो आप उस पेरेंट्स के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। किसी बच्चे को अगर ये पता है कि उसके पेरेंट्स को ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, जबकि उसका लालन पालन उसके पेरेंट्स के द्वारा किया जाना है, तो आप उस बच्चे के दर्द को महसूस कर सकते हैं? शायद नहीं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर के और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ये बीमारी हो गई है, और महिलाएं रोने लगती हैं, मेरा भी दिल द्रवित हो जाता है, कई बार आंखों में आंसू आ जाता है। छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे जिसको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है या जिसको थैलासीमिया हो गया है, या 15 साल 18 साल 22 साल 25 साल की पेशेंट आते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया हो गया है, उनकी पीड़ा को महसूस करता हूँ। बात करते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बहुत ही सुखद अनुभव है मेरे लिए पिछले 20-22-25 सालों से कि ऐसे पेशेंट जो पूरे देश में पूरे दुनिया में ठीक नहीं होते हैं वो हमारे पास आकर के होम्योपैथी इलाज से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए मैं ऊपर वाले को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, रोज देता हूँ, ये उसकी कृपा मात्र है। चिकित्सक बहुत सारे होंगे, सबने वही दवाइयाँ पढ़ी होंगी, सबके पास वही मटेरियल मेडिका होगी, लेकिन ये पावर ऊपर वाले ने मुझे प्रदान किया है तो उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन ने जी हमारे हाथ में ऐसी चिकित्सा प्रणाली दिया कि उस चिकित्सा प्रणाली से हम लोगों की ऐसी बीमारियां ठीक कर देते हैं जो उनको दूसरे चिकित्सक ये समझा देते हैं कि ये ठीक ही नहीं हो जाता। आप सोचिए, हम बीमारी को ठीक करने के अलावा क्या करते हैं? उस मरीज में ये आस जगाना, उम्मीद जगाना कि आप ठीक हो जाएंगे, जिसको हमारे से पहले के चिकित्सकों ने ये बता दिया है कि आप ठीक ही नहीं हो सकते हैं।
है ना, इस अगर आप देखेंगे तो आप प्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सोसाइटी अगर उसको आप पढ़ेंगे सबका एक एक स्टार्टिंग का वर्ड्स, तो दैट इज आस। तो ये आस जगाना, उम्मीद जगाना उस व्यक्ति में जिसको ये समझा दिया गया है कि आप ठीक ही नहीं हो सकते, वो मुझे इलाज से ज्यादा कठिन लगता है। और वास्तव में कठिन है, क्योंकि पेशेंट को ठीक होने में एक निश्चित समय लगता है और वो पेशेंट बार बार एक ही प्रश्न पूछता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता है कि क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी होम्योपैथी से। अगर ठीक हो जाएगी तो कितना समय लगेगा। तो ये आस, ये उम्मीद, और जो पहला सेशन था धैर्य, जो चिकित्सक और मरीज दोनों के लिए जरूरी है, वो जगाना, वो पैदा करना ट्रीट करने से ज्यादा कठिन है। Aplastic anemia develops when damage occurs to our bone marrow, slowing down production of your cells. हमारा जो ब्लड सेल्स का है उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अगर मैं डेवलपमेंटल स्टेज की बात करूं तो डेवलपमेंटल स्टेज के लिए हीमोपोइटिक सेल्स है, आप देखेंगे लीवर है, स्प्लीन है, आरी सिस्टम है, जहां पे ब्लड डेवलप भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सेंटर है वो क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो में भी अगर मैं बात करूं तो बोन मैरो दो प्रकार का होता है, एक येलो बोन मैरो और दूसरा रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करता है, हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, और येलो बोन मैरो आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करता है। अगर मैं हमारे एज की बात करूं तो एज में आप लोगों ने सुना होगा कि जो यंग जवान होता है, जवानी में खून लाल होता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू रेड बोन मैरो। हमारी जब उम्र 40 साल से नीचे होती है तो हमारा जो बोन मैरो है वो ज्यादा एक्टिव होता है रेड बोन मैरो, और वो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है, इसलिए हमारा खून लाल होता है। अगर आप जवानी में देखेंगे, मेरा अभी बुढ़ापा आने वाला है मेरे को छोड़ के, तो गाल लाल रहते हैं, है ना। तो गाल लाल क्यों होता है या हथेली लाल रहती है, ये लाल क्यों रहती है, आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रेड बोन मैरो। और जैसे जैसे हमारी उम्र ढलने लगती है, मसीहा आजम जी को मत देखना, उनकी उम्र ढलने के साथ साथ वो और लाल हो गए हैं, तो उनकी बात अलग है। अदरवाइज 60 साल के बाद सबका रेड बोन मैरो जो है वो येलो बोन मैरो में चेंज होने लगता है, और रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो हमारा हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। और अभी हम लोगों ने जो अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस वीक लगभग 5-6 दिन से जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें हमने 100 महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच कराया जो अपने आप को स्वस्थ समझती थी, उसमें से 48 महिलाओं का हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं था। 48 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 11 या 11 से कम था, जिसमें से 22 महिलाओं का 11 था और 26 महिलाओं का 10 से भी कम था, और 3 महिलाओं का 6 ग्राम परसेंट के आसपास था। बहुत ही चौंकाने वाला लगा मुझे। तो हम अप्लास्टिक एनीमिया के फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, वो कैसे रिलेट होता है हमारे हीमोग्लोबिन से, वो मैं बता रहा हूं। जो हमने लोग सोच रहे हैं ना कि रथ चलाया तो उसे क्या निकल के आया, उस रथ से ये निकल के आया कि लोगों को 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो उनको पता ही नहीं चलता। लोग 6 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम हीमोग्लोबिन में अपना कार्य कर रहे हैं, अपना कार्य करते हुए थक जाते होंगे, अपना कार्य करते हुए बीमार हो जाते होंगे, उनको बुखार जैसा लगता होगा, सीढ़ी चढ़ते हुए दम भरता होगा, श्वास की परेशानी होती होगी, फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसा जब लंबे अंतराल तक करते रहेंगे आप, तो आपका बोन मैरो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। आपको कार्य कितने पे करना है, 12 ग्राम से 14 ग्राम परसेंट के बीच में जब हीमोग्लोबिन होगा तो आप सुचारू रूप से काम कर सकेंगे। और वो कार्य महिलाएं कितने हीमोग्लोबिन पे कर रही है, 6 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम पे, ऐसा लंबे समय तक करेंगी तो धीरे धीरे उनका बोन मैरो काम करना बंद हो जाएगा और उनको अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी हो जाएगी। मेरे पास अभी कुछ एक आध महीने या 2 महीने पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है,
एक लड़की आई थी जिसकी उम्र 22 साल थी, बहुत दुखद उसकी डेथ हो गई, मतलब 3-4 दिन 5 दिन यहाँ से इंदौर से वापस गई और उसकी डेथ हो गई। राजस्थान की रहने वाली थी, वो लोग मेरे पास लेकर के आए उस बच्ची को। उसका जब मैंने रिपोर्ट देखा तो उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम 4 ग्राम था और उसका प्लेटलेट कुछ 5,000 या 4,000 था। तो मैं बीइंग अ टीचर ऑफ फिजियोलॉजी मैं समझता हूँ कि उसको कितनी परेशानी हो रही होगी। उसके साथ उसका ब्रदर भी आया था, भाई जो आईटी से था। वो बोला कि सर इसको कोई परेशानी नहीं होती है, उसने 2-3 बार मुझे ये बोला है ना। उसको तो समझता नहीं है कि 4 ग्राम हीमोग्लोबिन में क्या होता होगा या 5,000 प्लेटलेट में क्या होता होगा, पर मुझे तो समझता है मैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट करता होगा। तो उसको बहुत मैंने डांट लगा दी। हम कहा तेरे को क्या समझता है कि उसको क्या हो रहा है। मैंने डांट लगाया और फिर उस लड़की से पूछा कि बता बेटा कितने दिन तेरा ब्लीडिंग चलता है। तो बोली 15 दिन से लेकर के 1.5 महीने तक ब्लीडिंग बंद करने के लिए उसको टेबलेट खानी पड़ती है। वो ब्लीडिंग कैसे बंद होगी जब उसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट ही कम रहेगा। तो ये ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहती है और उनको पता ही नहीं होता है, परिवार वालों को ही नहीं पता होता है कि किस दर्द से किस पीड़ा से वो लड़की या वो महिला गुजर रही है। तो अपास्टिक एनीमिया का जो रीजंस में जाएंगे तो आप देखोगे कि हमारा बोन मैरो जो डिस्ट्रक्शन होने लगता है वो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण है अननोन फैक्टर, दूसरा कारण है वायरल इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, सर्टेन यूज ऑफ ड्रग्स, एक्सपोज टू केमिकल्स, और सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं मेरे पास वो कैंसर के बाद जो रेडिएशन कीमोथेरेपी लेकर के आते हैं, रेडिएशन होने के बाद कीमोथेरेपी होने के बाद और उनका कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद जब उनका प्लेटलेट कम हो जाता है या उनको अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है या उनको एनीमिया हो जाता है और जब सारे प्रयासों के बाद नहीं ठीक होता है तब हमारे पास होम्योपैथी चिकित्सकों के पास आस भरी नज़र लेकर के आते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे हम गुजरते हैं और ऐसी कठिन बीमारी हो जाती है। सिम्टम्स, ये सिम्टम्स रोज लोगों को होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको ये सारे सिम्टम्स होते हैं सबको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है या सबको सिकल सेल एनीमिया हो गया है या सबको थैलासीमिया हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको कभी न कभी थकान लगती होगी, फटीग लगता होगा, सबको कभी न कभी फीवर आता होगा, सबको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता होगा, सबको रैपिड या इरेगुलर हार्ट रेट कभी कभी होता होगा। लेकिन ध्यान देने की क्या जरूरत है इसमें, अगर आपको बार बार फटीग हो रहा है, अगर आपको बार बार हर थोड़े थोड़े दिन में बुखार आने लग गया, अगर आपको थोड़े से ही चलने पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगा, अगर आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से अचानक इरेगुलर हो गई या रैपिड हो गई, आप वही कार्य कर रहे थे और अचानक से ये परेशानी आ गई, तो दैट इज द साइन ऑफ सीरियस डिसऑर्डर्स ऑफ बोन मैरो या अप्लास्टिक एनीमिया। आपको तुरंत सीबीसी जांच कराना चाहिए या फिर नजदीकी चिकित्सक से बात करना चाहिए। एनीमिया का बहुत आसान सा तरीका है देखने का, मैं लोगों को और सरल भाषा में बताता हूं कि अगर आप थोड़े दिन पहले से और अभी गोरे नजर आ रहे हैं, है ना, अगर आपकी सहेली बता रही कि आजकल तो बहुत गोरी नजर आ रही है, क्या कर रही है, तो ये खुशी का हो सकता है लेकिन ये चिंता की विषय भी हो सकती है कि कहीं आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा है ना। पेरेंट्स कैसे होते हैं, थैलेसीमिया का आपको नहीं समझ में आता, मेरे पास आते हैं कैसे बताते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ब्लड में फीटल हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होते रहता है, वो फीटल हीमोग्लोबिन 4 महीने के अंदर में ही एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाना चाहिए। तो वो पेरेंट्स कैसे आते हैं, बताते हैं कि वो मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना जी तब इतनी गोरी नहीं थी, अभी 2 महीने से वो बहुत गोरी हो गई। तो जब वो गोरी हो गई तो लोग उसको बताने लगे कि आजकल आपकी बच्ची बड़ी गोरी दिख रही है, तो बच्चे को दिखाने के लिए बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर के बैठ पास गए और बच्चों के डॉक्टर ने जब उनका सीबीसी जांच कराया तो बड़ा दुखद रिपोर्ट लेकर के आया कि उसको तो थैलेसीमिया नामक बीमारी हो गई। तो ये जरूरत से ज्यादा गोरापन या जरूरत से ज्यादा मीठापन खतरनाक हो सकता है। तो ये अगर आपकी पेल स्किन है
तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. उसके साथ फ्रीक्वेंट या प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, अनएक्सप्लेन्ड इजी ब्रशिंग या नोज ब्लीडिंग या ब्लीडिंग गम्स. बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चों को नाक से ब्लीडिंग होती है. एपिस्टैक्सिस बहुत ही कॉमन सा डिजीज है बच्चों में. और बच्चों को नाक से ब्लीडिंग होता था जी, उन्होंने देसी इलाज किया, बहुत दिन तक देसी इलाज किया, फिर वो नाक की ब्लीडिंग ठीक नहीं हुई, फिर अचानक एक दिन बच्चा खेलते खेलते गिर गया, फिर गिर गया तो डॉक्टर के पास लेकर गए, और जब डॉक्टर के पास लेकर के गए तो उसका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है या 4 ग्राम है. आप सोचिए कितनी छोटी सी बीमारी थी, नोज ब्लीडिंग, जो आसानी से ठीक हो सकती थी. नोज ब्लीडिंग के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं एपिस्टैक्सिस के लिए, और वो बच्चों के बहुत कॉमन डिसीज है, आसानी से ठीक हो जाती है. लेकिन पेरेंट्स ने उसको साल भर, 2 साल 3 साल इग्नोर किया, रिजल्ट बोन मैरो डैमेज हो गया और उसको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया. तब हमारे पास आते हैं 2-3 साल 4 साल का ट्रीटमेंट कराने के बाद और ठीक नहीं होते हैं. तब काफी सारे बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है और ठीक भी हो रहा है. इसी तरीके से गम ब्लीडिंग, हम लोग ब्रश को इतना जल्दी जल्दी करते हैं, तेजी से द्विवेदी सर का लेक्चर लेने को, जल्दी से ब्रश करो, कॉलेज जाना है, सेमिनार में जाना है, सारा काम करना है, तो सबसे जल्दी जल्दी क्या करना है, ब्रश करना है. लेट सो करके उठना है लेकिन ब्रश जल्दी जल्दी करना है. तो रोज अगर आपको ब्रश करते समय गम ब्लीडिंग हो रही है तो ये चिंता का विषय हो सकता है, ये आपके लिए सीरियस बात हो सकती है, उसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए. एक सबसे बड़ी कॉमन बीमारी है प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. मैं बार बार हर स्टेज पे बोलता हूँ, चाहे रेडियो हो चाहे टीवी हो, हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं जो बिल्कुल भी इस बात को अपने परिवार को ही नहीं बताती हैं, छुपाती हैं. मैं अभी 2 दिन पहले आकाशवाणी पे बात कर रहा था तो वहाँ की जो एंकर थी सुधा जी, वो बोली कि उनको तो कई सालों से ऐसी परेशानी रहती है. पर मैंने उनको बताया, पर हमारे पास तो जब आती है तो बोलते हैं 6 महीने से ही ऐसा हो रहा है. तो कई सालों से उसको प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और न घर वालों को बताती है न डॉक्टर को बताती है. तो अगर प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, आपका मेंसेज जो है 5 दिन से ज़्यादा चल रहा है और 1 दिन में 2 या 3 पैड से ज़्यादा यूज कर रहा है, तो दैट इज प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको ब्लड की जांच कराना चाहिए. ये ऐसा स्किन पे चकत्ते आ जाते हैं, ब्लूइश स्पॉट आ जाते हैं. अगर गाल पे आ रहा है तिल जैसा तो कोई बात नहीं, गालों पे तेरे जो तिल का निशान है वो कठिन नहीं है. लेकिन गाल के अलावा अगर थाई पे आ रहा है या हाथ पे आ रहा है, कहीं और पेट पे आ रहा है इस तरीके से, तो ये बड़ा दुखद साइन हो सकता है. ये इसको हमारे मेडिकल भाषा में पार्ट्यूरिक स्पॉट बोलते हैं, जो प्लेटलेट की कमी के कारण होता है. तो ये जैसे ही आपने देखा, देखते ही मरीज को सबसे पहले प्लेटलेट जांच कराने का लिख देना, तुरंत सीबीसी लिख देना, क्योंकि हम इसको आसानी से देख के समझ सकते हैं कि ये एकमात्र रीजन से होता है, प्लेटलेट की कमी से. और कैसे हो सकता है, ब्लंट इंजुरी, मान लो आपको चलते चलते किसी चीज से धक्का लग गया तो चोट लग गई, तो ऐसा ब्लीडिंग स्पॉट आ जाता है. उसके लिए हमारे पास एक दवाई है आर्निका, आर्निका मोंटारा इज बेस्ट मेडिसिन, लेकिन बिना कारण जाने हमको नहीं देना है. और क्या है, डिजीनेस, हेडेक, ऐसा दर्द होता था जी, एक गोली खा लेते थे. मैंने पूछा ऐसा कब से खा रहे, कुछ नहीं जी 2-2.5 साल से. हफ्ते में कितनी खा लेते हैं, 3-4 गोली खा लेते हैं. हफ्ते की 3-4 गोली दर्द निवारक, 2-2.5 साल रिजल्ट, अप्लास्टिक एनीमिया. आप सोचिए दर्द क्यों हो रहा है, वो कारण नहीं जानती, वो कारण नहीं जानता. उसने क्या किया, दर्द के लिए गोली खाने लग गया मेडिकल स्टोर से लेकर के, रिजल्ट अप्लास्टिक एनीमिया. या तो किडनी फेलियर होगा या जीआरडी होगा, एसिडिटी होगा, नहीं होगा तो अप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा. तो जिनको भी आपने ऐसा दर्द के लिए गोली खाते देखा, उनको तुरंत टोकिए कि आप ये दर्द की गोली खाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, बिना डॉक्टर के सलाह के आप गोली नहीं खाए. तो बता दिया, एक बीएनएच करके एक बीमारी होती है, एक फैंकोनीज एनीमिया होती है, शायद वो बोन मैरो वाली कवर करेगी तो मेरे टॉपिक में नहीं है. देन रिस्क फैक्टर क्या है, कई सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, बहुत साल पहले उनको डेंगू हो गया था,
डेंगू हो गया था जी, फिर क्या किया? कुछ नहीं जी, अस्पताल में एडमिट हुए, दो तीन दिन भर्ती रहे, प्लेटलेट लगा दिया, फिर उसके बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी नहीं इलाज की, दोबारा जांच नहीं करा, क्या जरूरत थी, एकदम ठीक था। अरे क्यों भाई, जब आपका प्लेटलेट कम था एक बार तो दोबारा थोड़े दिन बाद ठीक होने के बाद जांच करा लेते तो क्या बिगड़ जाता? तो ऐसा अगर डेंगू हो गया और उसके बाद हमने प्लेटलेट कम रहा और उसका जांच नहीं कराया तो दैट मे लीड्स टू सीवियर डिसऑर्डर्स अप्लास्टिक एनीमिया, तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और क्या है, स्किन ट्रीटमेंट। स्किन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग स्किन या हेयर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं और बोलते हैं कि 15 दिन खाना है या 7 दिन खाना है, और हम लोग वही प्रेस्क्रिप्शन बिना उनको बताए लेकर के खाते रहते हैं। तो वो कंटिन्यूस अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो दैट में हैपन योर बोन मैरो और उससे भी अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। देन फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पेन किलर्स, अगर बार बार पेन किलर ले रहे हैं, थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया और दर्द की गोली खा लिया, पैरों में दर्द हो गया दर्द की गोली खा लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो सकता है या फिर अप्लास्टिक एनीमिया जैसी परेशानियां हो सकती है। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक, जल्दी जल्दी जिसको बुखार की दवाई खाने की आदत है। हमारे यहाँ कैसा है, थोड़ा सा यहाँ से इंदौर से भोपाल तक गए थे, भोपाल से आया तो बुखार जैसा लगा तो एक गोली खा लिया। एक मीटिंग में गए थे, दिल्ली गए थे, वो फ्लाइट से गए थे ना, तो शाम को आए तो उससे क्या है, थकान आ गई, बुखार जैसा लग रहा था, गोली खा लिया, बुखार जैसा लगा और गोली खा लिया, दर्द हुआ गोली खा लिया। तो ऐसा अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं, जो साल डेढ़ साल दो साल से कर रहे हैं, तो दैट में लीड्स टू सीवियर डिसऑर्डर्स अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया कैसे प्रोग्रेस कैसा है, स्लोली ओवर वीक्स और मंथ, इट मे कम्स ऑन सडनली, या तो धीरे धीरे होगा या अचानक से आपको पता चलेगा। आप किसी अन्य बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाने गए और आपको पता चला, जैसे मसीहा आजम जी ने बताया कि वो एंजियोग्राफी कराने गए थे और एंजियोग्राफी होने के बाद उनका कंटिन्यूस ब्लीडिंग चलने लगा जो 75-78 घंटे तक चला। तो ऐसा भी एक्सीडेंटली भी आपको पता चलता है, हम किसी अन्य बीमारी का जांच कराने के लिए सीबीसी कराते हैं और उसमें सडनली पता चलता है कि प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम हो गया है। नेक्स्ट, होम्योपैथी क्या कर सकती है? होम्योपैथी मेडिसिन अटेम्प्ट्स टू स्टिमुलेट द हेल्दी पोर्शन ऑफ द बोन मैरो टू इंप्रूव सेल प्रोडक्शन, दिस में हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सेल ट्रांसफ्यूजन। हमारे पास पेशेंट आता है, वो बोन मैरो की जांच करा करके आते हैं, उनका जो बोन मैरो की रिपोर्ट होती है उसमें बताते हैं कि उनकी जो सेलुलरिटी है वो 3% है, 5% है, 10% है, तो मतलब कुछ उम्मीद बनी हुई है, उस सेलुलरिटी को हमको बढ़ाना रहता है। जो मेडिसिन देता है उससे बोन मैरो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और काम करना बंद हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जो हर 3-5 दिन में पहले ब्लड लगवाते थे, प्लेटलेट लगवाते थे, तो उनको अब न ब्लड लगाना पड़ता है न प्लेटलेट लगाना पड़ता है, पूरी तरह से ठीक हो गए, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनको कोई भी इस तरह की न तो परेशानी है न इलाज लेना पड़ रहा है। इसके अलावा क्या करती है, इम्प्रूव जनरल वाइटलिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट एंड हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आप जल्दी जल्दी बीमार होंगे, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लग जाएगा, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा। हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि आरी सिस्टम जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और ब्लड जो है आरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो जनरल वाइटलिटी अच्छी रहेगी और आप इन्फेक्शन से लड़ सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फेरम मेटालिकम, इसमें दोनों पार्ट हमारा कवर हो रहा है, बॉडी पेन मतलब बोन के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है और हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। फेरम मेटालिकम जो है वो फीवर की सबसे अच्छी दवाई है, बैकएक की बहुत अच्छी दवाई है और मैं इसको अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स के लिए यूज करता है। इस तरीके से जो पेशेंट होते हैं, अगर अप्लास्टिक एनीमिया का है तो वीकनेस होएगा ही,
पेन रहेगा ही, फ्रीक्वेंट फसिंग रहेगा, वर्टिगो, पल्सेटिंग हेडेक, रिंगिंग इन द ईयर्स, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव ब्रीदिंग ड्यूरिंग पीरियड व्हेन पीरियड लास्ट फॉर लॉन्गर देन नॉर्मल पीरियड। ये सारे सिम्टम्स अगर लेकर के पेशेंट आ रहे हैं तो फेरम मेटलकम इज द बेस्ट मेडिसिन उसके लक्षणों के आधार पर दी जा सकती है। लेकिन दे करके भूल नहीं जाना है हमको, रेगुलर हर हफ्ते या हर तीन दिन में सीबीसी करा करके देखना है कि दवा से क्या रिजल्ट मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है चाइना सिनकोना पार या सिनकोना ऑफिसिनालिस, एनीमिया के बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है और होम्योपैथी का इजाद भी सिनकोना से हुआ था। बेस्ट रेमेडी फॉर एनीमिया फॉर फॉलोइंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कैन बी रिजल्ट ऑफ द ट्रॉमेटिक इंजरी, एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द पीरियड, ब्लीडिंग फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक थ्रोट, बॉबल, नोज एक्सेट्रा, पेशेंट इज एग्जॉस्टेड एंड इवन फेंटिंग स्पेल्स। एग्जॉस्टिंग फीलिंग के लिए फीमेल्स के लिए चाइना सबसे अच्छी मेडिसिन है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के लिए भी चाइना सबसे अच्छी मेडिसिन है, तो इसलिए एनीमिया में मैं चाइना को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। नेक्स्ट, नेटोम्यूरेटिकम, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि अगर आप किसी को देख करके बोल रहे हैं कि बहुत गोरा होता चला जा रहा है, अगर गोरा होता चला जा रहा है और उसको साल्टी चीज खाने की आदत पड़ रही है तो बेस्ट रेमेडी इज नेटोम्यूरेटिकम। अगर किसी का सडन वेट लॉस हुआ है नेटोम्यूर, हेडेक है, लीन थिन इमेशिएटेड होते जा रहा है, इमेशिएटेड मतलब बहुत पतला दुबला होते जा रहा है, कैंसर कैचेक्शिया लेकर के पेशेंट आते हैं तो कैंसर कैचेक्शिया के लिए भी नेटोम्यूर इज द बेस्ट मेडिसिन। नौसिया और वोमिटिंग अकॉम्पनीड बाई हेडेक, उसके लिए नेटोम्यूर। फॉस्फोरस मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर एनीमिया, टॉल लीन थिन सिलेंडर, जिसको इस तरह से देखते से ही हम समझ जाएंगे कि कोई न कोई क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक बीमारी कैसा पेशेंट लेकर के आता है, 6 महीने साल भर से उसको डायरिया है, 2 साल से डायरिया है, डायरिया ठीक ही नहीं हो रहा है, फॉस्फोरस इज द मेडिसिन। अगर इस तरीके से पेशेंट आ रहा है तो उसका वेट लॉस होते चला जा रहा है, सारा प्रयास कर रहा है, सब कुछ खा रहा है लेकिन वेट लॉस रुक नहीं रहा है, तो फॉस्फोरस इज द मेडिसिन। अगर वो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेकर के आ रहा है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद भी उसका वेट गेन नहीं हुआ जो कि नॉर्मली हो जाता है, तो फॉस्फोरस इज द मेडिसिन। अगर उसको कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ गए और बाल वापस नहीं आए जबकि चिकित्सक बताता है कि थोड़े दिन में बाल वापस नॉर्मल आ जाता है, तो मेडिसिन इज फॉस्फोरस। अगर यूरिन में ब्लड जा रहा है हेमेचोरिया, बेस्ट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। तो इस तरीके से फॉस्फोरस अप्लास्टिक एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है और मैं बहुत ही कॉमनली यूज करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। एल्यूमिना, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्या करती है जी बच्ची या वो महिला जो है वो मिट्टी खाती है, पेंसिल खा लेती है, चौक खा लेती है, दीवार को खुरच करके खा लेती है, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि पेट से ऐसा डिजायर होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मेडिसिन इज एल्यूमिना। एल्यूमिना रेड सेल प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है, हमारे पास ऐसी भी मेडिसिन है जो रेड सेल की अच्छी मेडिसिन है, प्लेटलेट्स की अच्छी मेडिसिन है, जैसे यूपेटोरियम परफोरेटम है, प्लेटलेट्स की सबसे अच्छी मेडिसिन है, फेरम मेटलकम है रेड सेल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, एल्यूमिना है रेड सेल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, एमन कार्ब है रेड सेल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो ऐसा जैसे रस्टक्स है व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो ऐसी कई सारी मेडिसिन है जो अलग अलग सेल्स को भी बढ़ा सकती है, तो ये इतना अच्छा हमारे पास मेडिसिन का सिलेक्शन है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। सबसे बेस्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम का मरीज क्या होगा, दुखी रहेगा, निराश रहेगा, दवाई ही नहीं खाना चाहेगा। जिसको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है वो तो दुखी ही रहेगा ना, उसको तो पहले के चिकित्सकों ने बता दिया है कि आपका तो कोई इलाज ही नहीं जी, केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र इलाज है, और उसका खर्चा भी बता देते हैं उसको जो कर नहीं सकता, तो निराश ही हो जाएगा, निराश, हताश, कमजोर मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्टेड। आर्सेनिक इज द मेडिसिन, आर्सेनिक का बहुत अच्छा रिजल्ट है,
वो केवल मेंटली मतलब फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बूस्टअप करता है पेशेंट को, जिससे हम वो आस जगा पाते हैं मरीजों में, जिससे वो मरीज जल्दी ठीक हो पाता है। इसके साथ एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस तो रहेगा ही, उसको भी हम रिकवर करते हैं। कैल्केरिया फॉस वेरी वेल मेडिसिन। आपको क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। बोन्स को अगर स्ट्रॉन्ग करता है तो कैल्शियम, वो हमारे पास अवेलेबल है कैल्केरिया फॉस्फेट के रूप में, कैल्केरिया फॉस। तो कैल्केरिया फॉस वीकनेस को भी कम कराएगा, एनीमिया को भी कम कराएगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स अगर है तो वो कम कराएगा। और बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं फुल ऑफ गैस लेकर के आते हैं कि एब्डोमिन की परेशानी है, डिजायर फॉर मीट एंड चाइल्ड इज यूजुअली इरिटेबल, बहुत ही कॉमन सा है जो पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा तो पैदल चलना ही नहीं चाहता है जी, वो चलता है तो थक जाता है। तो थक जाता है, क्यों थक रहा है? क्योंकि उसके हड्डियां कमजोर है। तो दैट इज द कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया का इसका बच्चा तो अलग ही दिखेगा जी, उसका पेट जो है आगे निकला रहेगा और बाकी जो है हाथ पांव कमजोर कमजोर रहेंगे। तो दैट इज द कैल्केरिया का। अगेन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के कारण अगर एनीमिया हो रही है तो दैट इज द कैल्केरिया का। नाइट्रिक एसिड, अभी मैं बात कर रहा था ब्लीडिंग पाइस की, ब्लीडिंग पाइस के कारण अगर उसको एनीमिया हो गया है, उसको पता ही नहीं है, काफी लंबे समय से ब्लीडिंग पाइस चली आ रही है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। हमारा अगर घड़े में छेद है तो छेद अगर नहीं रोकोगे तो आप पानी भरोगे तो वो दिखेगा कैसे? तो अगर ब्लीडिंग पाइस के साथ एनीमिया या अपलास्टिक एनीमिया का पेशेंट आपके पास आ रहा है तो चॉइस ऑफ मेडिसिन इज एसिड नाइट्रेट। देन पल्सेटिला, पल्सेटिला इज अगेन फीमेल रेमेडी। अगर महिलाओं में एनीमिया है और वो ठीक नहीं हो पा रही है तो उसके लिए पल्सेटिला इज ड्रग ऑफ चॉइस। क्या महिलाएं रोती रहती हैं, हर चीज उनको उनके मन के अनुसार नहीं मिलता है, वीपिंग डिसऑर्डर्स, डॉक्टर के पास आती है आते से ही रोने लगती ठीक ही नहीं हो रही है, अरे ठीक नहीं हो रही तो पहले बताओ, तो बताने से पहले ही रोने लग जाएंगे। तो दैट इज द पल्सेटिला। कालिका बहुत अच्छी मेडिसिन है रेड ब्लड सेल के लिए। मैं अभी बात कर रहा था कि रेड ब्लड सेल बढ़ाने के लिए अलग दवाइयाँ हैं, WBC बढ़ाने के लिए अलग दवाइयाँ हैं और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए अलग दवाइयाँ हैं। उसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे और मरीज को देखने के आधार पे अलग अलग मेडिसिन हैं जो हम उनके सिम्टम के बेस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, अगर अप्लास्टिक एनीमिया ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? सीवियर इन्फेक्शन होगा या ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग कैसा होता है? आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, नाक में ऐसा कॉटन का प्लग लगा के एक पेशेंट आया, नागपुर से एम्बुलेंस से आया, कॉटन का प्लग वहां नागपुर के डॉक्टर ने लगा दिया, वो प्लग बोले निकालो मत नहीं तो ब्लीडिंग होने लगेगी और रुकेगी नहीं, तो वो प्लग लगा करके मेरे पास आया, आंख में ब्लीडिंग हो जाती, यहाँ पे हिमेटोमा जम जाता है, वो ऐसा ही लेकर के आ जाते हैं, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी, वो रुकेगी नहीं क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं है, तो ब्लीडिंग कैसे रुक सकती है? ब्लीडिंग के लिए आप कितना भी ब्लड चढ़ाएंगे, ब्लड चढ़ाने से केवल बॉडी मेंटेन हो सकता है, ब्लीडिंग नहीं रुक सकता, लेकिन होम्योपैथिक दवाई लेने से रुक सकते हैं, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। सेम चीज है। कंक्लूजन क्या है होम्योपैथिक क्योर अप्लास्टिक एनीमिया? इफ द डोजेस ऑफ द प्रॉपरली प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हमारे पास क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मरीज को दूर से ही देख लेंगे और सारा कुछ मरीज बता देगा, तो दवाई आप एक बार दे दिया, उसके बाद उसका फॉलो अप में अगर आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मरीज वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको मरीज को देख करके कैसे पता चलेगा? उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी तो देखना जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंट आया है और उसका प्लेटलेट काउंट 10,000 या 12,000 15,000 है तो अगले वीक या अगले 3 दिन में अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कि उसका कितना प्लेटलेट काउंट हुआ? उसको घर में ट्रीटमेंट लेना है या अस्पताल में भर्ती होना है? कहाँ 1.5 लाख नॉर्मल मिनिमम है और कहाँ उस मरीज का 10,000 है? तो मैं वीकली CBC कराने की उनको सजेशन देता हूँ और पेशेंट प्रॉपर जब फॉलो करते हैं तो ठीक भी हो जाता है। नेक्स्ट, ये इस तरीके से बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश करने का कोशिश किया हुआ है, क्योंकि मैं कितना भी बोलूं मुझे उतनी मान्यता नहीं देती है हमारी जो मॉडर्न साइंस है, उनको रिसर्च पेपर चाहिए,
केस चाहिए, केस कैसे ट्रीट हुआ, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए और ठीक होने के बाद फॉलो अप आफ्टर चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास पेशेंट आए हैं और उन्होंने फॉलो अप में बताया कि 2 साल से न तो कोई दवाई ले रहे हैं और न कोई परेशानी है, तो दैट इज द फॉलो अप। और इस तरीके से हम कुछ सोशल अवेयरनेस के लिए भी काम करते रहते हैं रेगुलर, ताकि लोगों को ऐसी बीमारी ही नहीं। So this all for the aplastic anemia and homeopathic treatment by me.